प्रभु हम तेरी स्तुति करते आराधना करते हैं जिसके लिए तू योग्य है। हालेलुया। प्रभु हम अपने दिलों को अपने मनों को तेरे सम्मुख में लेके आते हैं प्रभु जी। आज का शब्बात दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना को प्रभु जी, आज की सारी सेवा काय को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आज तेरे लोगों के ऊपर तेरी कृपा होने पाए। हालेलुया। तेरी पसंद करी हुई प्रजा के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। इसराइली प्रजा के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर प्रभु हम तुझे देते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा हो जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू बढ़ जाए प्रभु जी, हम घट जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तू राजा को का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा, हम गाए का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरी स्तुति करते हैं, महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। तेरा वचन कहता है जो धन्यवाद का अर्पण चढ़ाता हो मेरी महिमा करता है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद का अर्पण चढ़ाते हैं तुझे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया। तू हमारा खुदा है प्रभु जी, तूने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे ऊपर प्रेम करने वाले को किसी बात की घटी ना होगी प्रभु जी। हालेलुया। सारी भरपूरी को ओ देने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर तू ही है। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु मां, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं।
सच्चा खुदा जिंदा खुदा है प्रभु जी, और कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, महिमा हो जाए प्रभु, महिमा हो जाए, महिमा हो जाए। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ प्रभु ऐसा तो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। महिमा प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति प्रशंसा प्रभु जी तेरी। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। है कृष्ण नाम में
प्रभु जी, हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में समर्पण कर आज की आराधना, आपकी स्तुति, आज का वचन की सेवाई करे सारी बराते प्रभु जी, हम तेरे पवित्र हाथ में स्वर्ण। प्रभु जी तू अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु। सारा आदर सारा महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, स्वर्ग में और धरती पर एक ही नाम है और कोई नाम नहीं जो हर इंसान को जिंदगी दे सके, इंसान को छुड़ा सके। उसी के नाम में चंगाई है, सारे बंधन टूटते हैं। आइए ऐसे महान और सामर्थ्य नाम की हम प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। हमको आजादी देता है यीशु नाम।
यीशु का नाम, हमारी विनती को सुनता है यीशु का नाम। चंगा करता है यीशु का नाम, हमारी बिनती को सुनता है हमारा परमेश्वर। जो सुनता है उत्तर देता है वो महान और सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। उसके मेरे जीवन में आने से मेरी जिंदगी बदल गई, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Rabba, hallelujah. मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर मुझे चलाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा पवित्र नाम। हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, से दूर हुआ था, तूने मुझे है चुराया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है चुराया, अपनी
धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, उसने अपना बेटा बना लिया, अपना लहू बहाकर उसने जीवन नया दे दिया है। हालेलुया। उसके लहू से उसने मुझे छुड़ाया, नया जीवन दिया। हालेलुया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना प्रेम के लिए धन्यवाद। तूने अपना लहू देकर हमें छुड़ाया, तूने हमें अपना संतान बनाए, तूने हमें बेटे और बेटियां बनाए प्रभु, तूने हमें बचा लिया है। हालेलुया। तूने हमें छुड़ाया प्रभु जी, तेरे अद्भुत काम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ओ तू ही योग्य है प्रभु जी, प्रशंसा के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु तू ही है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु जी। तू आज भी हमें छुड़ाता है, आज भी हमें बचाता है, और प्रभु जी जब तक तू ना आए तब तक हमें बचाता रहेगा, तो हमें सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु जो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारी चट्टान है, हमारा भरोसा प्रभु आप पर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम विश्वास और धीरज दोनों को कैसे साथ में संबंध है, बाइबल के वचनों से हम देखने जा रहे हैं। विश्वास धीरज के साथ प्रभावशाली होता है, धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं, और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भी आपका ज्ञान है, आपका अनुग्रह का द्वारा हमको मिला है प्रभु, तेरे विश्वास के बारे में सीखने के लिए, विश्वास को काम पे लाने के लिए, जीवन में हर क्षेत्र में आशीष को पाने के लिए, हमारा काम को पूरा करने के लिए। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ऐसा करके आपने कहा है प्रभु जी। इस विश्वास को धीरज के साथ काम पे लगाने के लिए, सीखने के लिए,
मुझे और मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कीजिए। आज का वचनों के द्वारा हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमको सिखाते हैं, सही राह पर आप हमें चलाते हैं। आपके हाथों में इस संदेश को हम समर्पण करते हैं, आप हमें चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ऐसा करके काफ़ी जगह पर हम वचन को देख रहे हैं। विश्वास के द्वारा ही हम जीवन बिता पाएंगे। उस विश्वास के लिए क्या क्या साथ में होना चाहिए, कुछ दिनों से हम मनन करते आ रहे हैं, आज भी हम मनन करने जा रहे हैं। विश्वास और धीरज दोनों को कैसे साथ में संबंध होता है, कैसे काम करता है करके कुछ वचनों से हम देखने जा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 11वां आयत को पढ़ता हूँ, 11 और 12 वचन। हम हर बात पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यहाँ पर जो लेखक लिख रहे हैं, हमें प्रतिज्ञाओं के वारिस होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए और विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होना है। और इतना भी नहीं, ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श बनाकर रखना है जो लोग आलसी नहीं हैं और जो लोग विश्वास और धीरज के साथ आशीष को प्राप्त करते हैं, प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, उनका एग्जाम्पल को हमें अनुकरण करना है और उनके जैसे हम भी सारे आशीष को हम प्राप्त करना है। मसीह में हम सभी आशीष के भागीदार हैं। विश्व 1:3 में हम पढ़ रहे हैं, स्वर्गीय स्थान में सब आशीष से पहले से मसीह में आशीष दी है। तो सारे प्रतिज्ञा हैं यीशु मसीह में, हाँ और अमीन करके हाय करके पहले कुरिन्थी में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें विश्वास और धीरज के द्वारा उस सारे आशीष को हमें प्राप्त करना है। ज़िंदगी में विश्वास के द्वारा ही हर आशीष को हम प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते हैं, विश्वास के द्वारा अभिषेक पाते हैं, विश्वास के द्वारा ही छुटकारा को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, विश्वास के द्वारा ही आत्मा जीतते हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, इवन विश्वास के द्वारा ही हम प्रेम भी कर पाते हैं करके पिछले हफ्ते में मनन किए थे। तो आशीष सारे हमारे लिए वायदा किया हुआ है, वो सारे वायदाओं को हम प्राप्त करना है। आशीष के वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया है। मसीह यीशु में आशीष के वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया करके पहला पत्र 3 में हम पढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर हमें बुलाए हैं आशीष के वारिस होने के लिए, तो उसको आशीष हमारे लिए पहले से दिया हुआ है, फिर भी हमें अपने प्रायोगिक जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मैनिफेस्टेशन उसका प्रकटीकरण देखने के लिए हमें विश्वास और धीरज के द्वारा हमें प्रयत्न करना, वही अंत तक प्रयत्न करते रहो करके 11वां वचन में हम देख रहे हैं। क्या प्रयत्न है? विश्वास का प्रयत्न है, धीरज के साथ विश्वास काम करता रहेगा। हम धीरज छोड़ना नहीं, विश्वास को हमेशा धीरज के साथ कायम के लिए हम लगातार बने रहना है। विश्वास बहुत फलदायक है, हमारा हिम्मत है बहुत फलदायक है, आशा बहुत फलदायक है। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं विश्वास और धीरज के द्वारा सारे आशीष के वारिस आप हो सकते हैं। परमेश्वर आशीष का सोता है और हम अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं। इसराइल को आशीष करना ही परमेश्वर का इच्छा है, ये सब हम जानते हैं। तो परमेश्वर जो आशीष दिए हैं, वायदा किए हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारा यही प्रयत्न है, विश्वास और धीरज दोनों मिलकर हम
उसका कार्यशील करना है। यहोशू का किताब 21 अध्याय में हम इस ऐसा पढ़ रहे हैं 45 वचन में, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इसराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी न छूटी, सबकी सब पूरे हुए। यही यहोशू का और उनके साथ लोगों के लिए गवाही है। परमेश्वर ने उनको वायदा किया, मूसा को वायदा किया, इब्राहिम को वायदा किया कि तेरे जनता को मैं निज भूमि में पहुंचाऊंगा, उनको मैं मिस्र से चुरा कर लेके जाऊंगा करके वायदा किया। उसके अनुसार परमेश्वर ने किया है। इसराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छोटी, सब के सब पूरे हुए। आज परमेश्वर का आशीष ये है हमारे जीवन में कि जो भी दिया गया है हमें प्राप्त करने के लिए विश्वास और धीरज से हम आगे बढ़ना है उस आशीष को पाने के लिए, क्योंकि आशीष को पाने के लिए बुलाए गए। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया है और गलतियों में हम पढ़ रहे हैं इब्राहिम के आशीष अन्य जातियों पर मसीह के द्वारा हमारे ऊपर आ गया करके आत्मा की अभिषेक पाने के लिए भी आशीष हमारे लिए वायदा किया गया करके बता रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो इसराइल जनता के लिए जो भी आशीष है हमारे लिए भी लागू होता है। तो आज उस आशीष को प्राप्त करने के लिए विश्वास और धीरज के साथ है हमें परमेश्वर का पीछे चलते रहना, ऐसे चलने वालों को ही एग्जाम्पल रखना। जो लोग आशीष के लिए तुच्छ गिनने वाले लोग होते हैं, यशाव जैसे लोग हैं, आशीष को ठुकराने वाले, ऐसे लोग आशीष के लिए वो प्रयत्न नहीं करेंगे, तुच्छ गिनते हैं। ऐसे लोगों को पीछे नहीं करना है। लेकिन याकूब को देख रहे हैं, भले उसका जीवन में कमियां थी फिर भी आशीष को उसने महत्वपूर्ण जानता था, उस आशीष के लिए प्रयत्न किया, भले शुरू में शॉर्टकट्स मारा था, गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आकर के आखिर में अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर से आशीष उसने प्राप्त कर लिया है। आज भी हम लोग आशीष को पाने के लिए एक मकसद होना चाहिए हमारे जीवन में, एक जोश होना चाहिए, मेरे मुझे ज़रूर परमेश्वर वायदा के सब चीज़ों को मुझे पाना चाहिए, जहाँ पर भी कमी है मुझे उस कमी को पूरा करने के लिए यहोवा मेरा चरवा मुझे कोई कमी नहीं करके, ऐसे वचनों को मन में रखते हुए हम परमेश्वर वायदा के हर चीज़ को प्राप्त करना है। वायदा नहीं किया ऐसे चीज़ों को नहीं, जो परमेश्वर हमारे लिए वायदा किया हुआ है, हर वायदा यीशु मसीह में हाँ और आमीन करके बाइबल बताता है। तो कैसे सारे आशीष को हम प्राप्त करना, विश्वास और धीरज के साथ, धीरज धरना बहुत ज़रूरी। ऐसे लोग हैं पहले आशीष को प्राप्त किए हुए लोग हैं धीरज के साथ, उन लोगों का अनुकरण करो। वो लिख रहे हैं इवन आज का ज़माने में भी लोग आपको दिखते होंगे जो लोग विश्वास की बातों को उल्लंघन करने वाले लोग हैं, आशीष के बारे में गलत सोच रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हम पीछे चलेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, हम भी अपने विश्वास में ढीला पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को पीछे चलना चाहिए जो लोग विश्वास और धीरज के साथ सारे आशीष का वारिस बनते हैं, परमेश्वर में पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, विजयवंत जीवन व्यतीत करते हैं, एकदम आनंदमय जीवन, शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के लिए अच्छी गवाही बनते हैं, विश्वास और धीरज के साथ वचनों को अपना जीवन में काम पे लाने के लिए वो लोग प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करना है, विश्वास की प्रयत्न है। नया नियम में हमारा जो क्रम बोला जाएगा यही है, विश्वास की प्रयत्न, विश्वास करना है। विश्वास को धीरज के साथ रखेंगे जरूर विश्वास कार्यशील हो काम करेगा, अंत में विजय होगी, तुम्हारा आशा नहीं टूटेगा, अंतिम विजय हमारा विजय। ये बातों को कभी ना भूलें, हम लोग हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मेरे लिए दिया हुआ सारे आशीष को मुझे पाना चाहिए, कोई भी नहीं छूटना है। जैसे इसराइली के लिए किया है, हर भलाई की बात है, अब हमारे लिए भी काफ़ी सारे भलाई की बात है, यीशु मसीह ने कहा है और पत्रियों में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिख कर दिया है हमें सारे बातों को हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए जो जो सिद्धांत है आशीष के वारिस होने के लिए, हमें जो
बाइबल हमें सिखाते हैं उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए धीरज के साथ ऐसे ऐसे दांतों को काम पर लगाते रहेंगे। विश्वास धीरज मिलकर ज़रूर वो सिद्धांत हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो हमको मालूम है बीज उगाना फसल काटना परमेश्वर का सिद्धांत है, उत्पत्ति 8 से भी चले आ रहा है। तो परमेश्वर के आशीष पाने के लिए हमें आशीष का बीज को बोना है, दूसरे लोगों का आशीष देना है। आशीष पाने के लिए परमेश्वर का वचन जो जो बीज बोने के लिए हमसे कहते हैं, ऐसे आशीष के वचनों को दूसरे लोगों के जीवन में बोना है, अपना जीवन में भी बोना है, अपने बच्चों के जीवन में बोना है। आशीष का वचन का बीज बोएंगे, आशीष का फसल काटेंगे। तो कभी भी गलत तरीकों को नहीं अपनाना। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहेगा, उनके सारे वायदा को पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन कभी भी हम बुरी युक्ति से, जैसा याकूब कोशिश करता था शुरुआत में, लेकिन उसमें परमेश्वर पसंद नहीं, परमेश्वर ऐसी चीज़ों को चाहते नहीं। सही ढंग से परमेश्वर हमारे लिए आशीष देंगे। हमारा सिद्धांत मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के काम करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। कभी भी परमेश्वर हमें बुराई नहीं करवाएंगे, कभी भी गलत तरीका को नहीं अपनाएंगे। ज़रूर परमेश्वर के साथ चलने वाले इन चीज़ों को समझना चाहिए और परमेश्वर हमेशा आलसी लोगों को आशीष नहीं दे पाएंगे, ये भी हमें समझना चाहिए। यहीं पर बता रहे तुम आलसी ना हो। जो लोग बैठ कर के सपने देखेंगे मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उसके लिए जो प्रयत्न है विश्वास का स्टेप्स है कदम रखना है वो नहीं रखते हैं, तो ज़रूर आखिर में वो लोग निराश हो जाते हैं। उनका जीवन में परमेश्वर के आशीष को प्रकट होते हुए नहीं देख पा रहे। आज मैं आपसे विनती करता हूँ, विश्वास और धीरज आपका जीवन में साथ मिलकर काम करने के लिए परमेश्वर के सिद्धांत को जान लीजिए, किस तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। वचन का बीज बोना है हमारा हृदय में, हमारे जीवन में, हमारा वातावरण में। शांति का बीज बोना है, ज़रूर शांति का फसल काटेंगे। हर चीज़ के लिए परमेश्वर का एक तरीका है, उस तरीके से विश्वास भी काम करेगा। विश्वास कार्य करने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ लगते मनन की अच्छे विवेक का भी ज़रूरत है। अगर हम शॉर्टकट मारेंगे हमारा विवेक दोष लगाएगा, हम परमेश्वर से प्रार्थना के लिए जवाब नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो इसलिए हम परमेश्वर के सिद्धांत को जानना चाहिए, कभी भी आलसी ना हो। देखो पुराना नियम में भी हो नया नियम में भी हो, परमेश्वर लोगों को आशीष देते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक शुरुआत वहीं पर होते हुए हम देख रहे हैं। हमारा पास जो है उसको लेकर प्रभु कई गुना बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर आशीष के कारण बना देते हैं। जैसे 5 रोटी 2 मछली, 7 रोटी कुछ मछलियाँ, ये सब हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने कैसे लोगों को खिलाया, कैसे बढ़ाया। तो यही है कि परमेश्वर की तरीका है। तुम्हारा पास क्या है? मूसा के पास पूछ रहे, तुम्हारा पास क्या? एक लाठी है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पतरस के पास एक नाव है, एक जाल है, उसको इस्तेमाल करके उसका आशीष किया। कभी भी खाली हाथ से हम आलसी होकर के कुछ भी देंगे नहीं प्रभु के हाथ में, हम आशीष के वारिस नहीं हो पाते। हमें समझना चाहिए परमेश्वर हमेशा हमसे स्टार्टिंग के लिए कुछ ना कुछ आपके पास दिया हुआ, कुछ कुबियत होंगे, कुछ टाइम होंगे, कुछ चीज़ होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। वैसे ही परमेश्वर का काम शुरू होता है, ऐसे काम कायम के लिए बना रहता है। जो भी परमेश्वर के आशीष पाना चाहते हैं मेरे बच्चे लोग, भाई बहन, विश्वास और धीरज दोनों काम करता है, लेकिन ज़रूर विश्वास और धीरज परमेश्वर के तरीके से काम करेगा तो ज़रूर आशीष के वारिस हो सकते हैं।
तो हम पिछले हफ्ते में भी मनन कर रहे थे, हम लोगों के लिए विश्वास की एक नमूना छोड़ कर जाना चाहिए, एक लेगेसी छोड़ना चाहिए। हम यूसुफ का जीवन में देख रहे हैं कितना सारा शैतान भाग आया, उसको फंदे लगाया, उसको फंसाने के लिए, उसको पाप कराने के लिए, ताकि अपना मंजिल तक नहीं पहुंच सके। आज भी आशीष के बारिश होने के लिए जो लोगों को परमेश्वर बुलाए, आपको शैतान काफ़ी सारे ट्रैप्स लगाते हैं, प्रलोभन को लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं फंसा करके आपको रोक टोक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर पिता आपको ज्ञान देंगे, जैसे यूसुफ के साथ रहा, शैतान के हर फंदे से वो छूट गया, विचार के फंदे लगाए उसमें से भी बच गया, मृत्यु दंड मिलने वाला था उसमें से भी बचा लिया, परमेश्वर उसके साथ रहा। शैतान की बातों को उसने माना नहीं, जरूर हम भी मानेगा नहीं, हम भी मानेंगे नहीं, हम भी शैतान की फंदे में फंसना नहीं। ज़रूर सारे आशीष हमारे लिए उपलब्ध है, ज़रूर काफ़ी सारे ऑब्स्टकल्स होते हैं, उसके पार करते हुए धीरज के साथ रहना, धीरज धरना। यूसुफ कितने साल धीरज से रहा, अन्याय रीति से सताया गया, बंदी गुरु में पड़ा रहा, आखिरकार परमेश्वर न्याय परमेश्वर उसके सारे आशीष वायदा किया हुआ पूरा हो गया। शैतान की फंदा में जाके उसने अपने आप को फंसाया नहीं। आज भी मेरे भाई बहन बच्चे लोग, आशीष के वारिस होना है, विश्वास और धीरज के साथ ईमानदारी करते रहें, भलाई करते रहें, भलाई करना न छोड़ें। देख रहे हैं यूसुफ को जेल खाने में भी दूसरे का आदमी को मददगार बनते, उनका पूछताछ करते हैं, तुम लोग क्यों दुखी हो करके। ऐसे जो लोग हैं परमेश्वर का प्रेम से भरे हुए रहते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर की मनसा मकसद उनके अंदर काम करते हुए, ज़रूर आशीष के वारिस होते हैं तो भी परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए आशीष के कारण बनते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर सारे आशीष देना चाहते हैं जो दूसरों लोगों के लिए आशीष के कारण बनेंगे, यही परमेश्वर का तरीका है। तो आज हम विश्वास और धीरज की बात कर रहे हैं, विश्वास और धीरज दोनों मिलकर ज़रूर आपका जीवन में अच्छे परिणाम को लाएगा। अगर हम सही स्टेप्स रखते हैं, सही दिशा में जाएंगे, विश्वास और धीरज ज़रूर वायदा को प्राप्त करने में हमें मददगार रहेगा। तो आगे हम जाते हैं, आगे हम देख रहे हैं कैसे विश्वास हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी का हर कोने में हमारे लिए परमेश्वर दिया हुआ जो भी काम है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कुछ योजना बनाई, उस योजना पूरा होने के लिए भी विश्वास और धीरज ज़रूर काम पे लाना चाहिए। विश्वास और धीरज, विश्वास के साथ कदम रखते हुए हर प्रतिदिन, एक दिन दो दिन ऐसा नहीं है। विश्वास का जीवन एक 100 मीटर रेस ऐसा नहीं है, 200 मीटर रेस ऐसा भी नहीं। पौलुस लिख रहे हैं, वो तो विश्वास की दौड़ लिख रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस करते रहना है। आपके लिए परमेश्वर की योजना पूरी होना है, तो आपके लिए जो आशीष वायदा के आपको प्राप्त करना है, और आपके लिए जो योजना बनाए आप करने के लिए तैयार किए, विश्व 2:10 में बोल रहे हैं आपके लिए चलने के लिए करने के लिए तैयार किए, उसके लिए को उद्धार किए, अनुग्रह दिए। तो क्या मिशन आपके लिए, मकसद क्या है, परमेश्वर आपके लिए क्या बुलावट है, उसके लिए आप विश्वास और धीरज के साथ पीछे चलते रहेंगे, एक दिन ज़रूर आपका जीवन में परमेश्वर से शाबाश पाएंगे, परमेश्वर से अच्छा स्वागत को पाएंगे स्वर्ग राज्य में। हमें अपना जीवन में जो भी योजना परमेश्वर की प्लान है हमारा जीवन में,
हमारा द्वारा कलीसिया में लोगों के जीवन में जो करने के लिए रखा है उस बातों को करने के लिए विश्वास और धीरज दोनों इस्तेमाल करना है। जल्दीबाजी में जैसा हम चाहते हैं ऐसा कुछ चीज़ फटाफट नहीं होता है, फटाफट नहीं होता, धीरज धरना पड़ता है, धीरज के साथ अपना दौड़ को पूरी करना। प्रेरित पौलुस को देख रहे कितना मेहनत किया, कितना भाग दौड़ी किया, विश्वास की दौड़ को पूरा किया, अपना जीवन में एक मकसद के साथ एक निशाने की ओर दौड़ रहा था। बोले प्रेरित 20 में 23 और 24 में केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर उसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखिए सेवकाई में उसके लिए आने वाले सतावनी के बारे में पवित्र आत्मा उसको पहले से वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन 24 आयत में पढ़ रहे हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। देखो उसके लिए ज़िंदगी में जीने का एक ही मकसद था, अपना दौड़ को अपनी सेवकाई को पूरा करना, अपना मिशन को अकम्प्लिश करना, परमेश्वर की योजना 100% पूरी होना, यही हमारे जीवन का सक्सेस है। कोई भी मेरे भाई बहन बच्चे लो अच्छा नौकरी पा लिया, अच्छा कमाई पा लिया, वो सब अच्छा है, प्रभु देना चाहते, लेकिन आपका जीवन में 100% परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए आपको देखना है और परमेश्वर से शाबाशी को पाना है। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं मैं जीवन का भी कोई चिंता नहीं, कोई ना कभी तो मरना ही है, मरने के लिए वो डरता नहीं था, लेकिन यही उसके लिए एक ही निशान था, एक ही मकसद था, अपने दौड़ को सेवकाई को अच्छी तरह पूरी करना। बोल रहे हैं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार पर, सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, इस अनुग्रह से उसने इस सुसमाचार का पाया, अनुग्रह के सुसमाचार को गवाही देने के लिए परमेश्वर से पाया है संदेश, अनुग्रह के संदेश, अनुग्रह का सुसमाचार, उसकी गवाही देने के लिए एक सेवकाई उसको मिली है, यही उसका टारगेट है। उसके लिए विश्वास से दौड़ दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ रहे हैं निशानी का, और फिलिप्पी में बोल रहे हैं निशानी का और दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया स्वर्ग राज्य में मीरास पाने के लिए, इनाम पाने के लिए बुलाया, ऊपर बुलाया, मंजिल तक पहुंचाने के लिए बुलाया। कहते हैं उससे निशानी का और दौड़ा चला जाता, और कहते हैं तो हम में से जितने सिद्ध हैं ये विचार रखें जहाँ तक हम पहुँच गए उसी के अनुसार चले। बोलते हैं मैं ये नहीं सोचता मैं पूरा हो गया हूँ, मैं पा चुका हूँ, ये नहीं, जिसके लिए मुझे पकड़ा है उसको पाने के लिए पाने का इरादे से दौड़ा चला जाता, निशाने का और चला जाता। और जितने भी लोग हैं मेरे साथ इस दौड़ में है वैसे ही विचार रखो कि परमेश्वर की योजना को पूरी करना है, जो परमेश्वर का इच्छा है मसीह के समानता में बनना है, मसीह को जानना है। ये फिलिप्पी 3:10 में बोल रहे हैं मुझे उसको जानना है, उसके साथ दुख उठाने का सहभागी होकर उसके पुनरुत्थान में भी सहभागी होना है, उसके साथ जीवन को पूरा संबंधित कर देना, उसको और भी प्रकटीकरण पाना है, पीछे ने मुड़ के नहीं देखना। कुछ लोग प्रकटीकरण पाते हैं और उस प्रकटीकरण के द्वारा सतावनी आने लगते हैं, उसको छोड़कर पहले प्रकटीकरण में चले जाते हैं जहाँ भी पहले थे, पहले वहाँ जहाँ से रहे थे, जहाँ से आए थे उसमें ही वापस जाने लगते हैं, कभी भी पीछे मुड़कर जाना नहीं है। अपना पुराना जमाने की हालत में मिस्र की देश में वापस नहीं जाना है, पाप में तो जाना ही नहीं, और हमारे लिए जो नया प्रकटीकरण मिला, नया लेवल में हम आए,
महिमा के ऊपर महिमा करते, एक लेवल में दूसरे लेवल में आए, एक स्तर से दूसरे स्तर तक आए, पीछे हटते हुए पहला स्तर पर नहीं पहुंचना है। कोई भी स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे लोग एक से आगे बढ़ते जाएंगे, कोई भी फर्स्ट क्लास में नहीं आएंगे, LKG में वापस नहीं आएंगे। आत्मिक जीवन में काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, कभी भी ज़्यादा प्रकटीकरण में सतावनी आने लगते हैं, लोग धीरज छोड़ देते हैं। धीरज के दौड़ना है, आगे बढ़ते हुए दौड़ना है, विश्वास और धीरज हमें आगे बढ़ाएगा। हम धीरज छोड़ देंगे, डर के मारे पीछे पहले का बातों पर आ जाते हैं, पहले के पापों में भी आ जाते हैं, पहले जैसे एक ठंडापन में आ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने वाले हम लोग विश्वास धीरज के साथ काम पे लगाना है। विश्वास और धीरज निशानी की ओर दौड़ते हुए, जल्दीबाजी नहीं होगी, कोई भी 100 मीटर रेस नहीं है, ज़िंदगी भर का दौड़ है। काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आएगा, काफ़ी सारे फंदा शैतान लगाएगा, लेकिन अब सबको पार करते हुए जाने के लिए धीरज की आवश्यकता है। धीरज धरना, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। व्यवस्था वैरण 17-16 में हम लोगों को बताएगा, कभी भी तुम मिस्रे के और वापस मुड़ना नहीं। यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, जब वो क्रूस में, जब उसका अंतिम घड़ी आ गए थे, लिख रहे हैं अपना चेहरा को एकदम खड़क बना दिया, यरूशलेम को और जाने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो योजना था परमेश्वर पिता का पूरा करने के लिए एकदम निर्णय के साथ, भले साथ में पतरस भी उसको डिस्करेज कर रहा था, ऐसे सबके साथ होना नहीं चाहिए करके उसको भी डांटा। अपना पिता परमेश्वर जो बोला है उसको उसने पूरा करने के लिए एकदम विश्वास और धीरज के साथ वो दौड़ को पूरा किया। यूहन्ना 17 में उसकी महायाजक प्रार्थना में हम देख रहे हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पृथ्वी पर पिता को महिमा लाया और कहते हैं, तूने जो काम मुझे दिया उसको मैंने पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हम लोग भी पृथ्वी पर परमपिता की महिमा को लाना है, उसके लिए जो काम उसने हमें दिया है विश्वास के साथ धीरज के साथ करते रहे, कभी भी यह ना छोड़े, हिम्मत ना हारे। विश्वास धीरज के साथ मिलते हुए कार्यशील होते हैं, विश्वास की कदम रखते हुए फटाफट हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जरूर धीरज धरना आवश्यकता है, धीरज धरना अवश्य है, निराश होना नहीं है। धीरज के साथ विश्वास कार्य करता है। यीशु मसीह भी कितना उसके लिए प्रलोभन आया, लोगों ने सताया, लोगों ने निंदा किया, कितने सारे बातों को उसने सह लिया। वही इब्रानियों को लेकर लिख रहे हैं, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के और ताकते रहो, उसको देखते हुए दौड़ते रहो। पहला दूसरा वचन में लिख रहे हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़ना है। विश्वास की दौड़ जल्दीबाजी में नहीं होती, धीरज से दौड़ना है। और लिख रहे हैं, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के और ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर याव न छोड़ दो। याव न छोड़ना, हिम्मत न हारना, धीरज नहीं छोड़ना। पापी लोगों के इतने भयानक दुखों को सामना किया, वाद विवाद को सह लिया, निंदा सह लिया, आज महिमा के साथ कुर्सी पर बैठा है, महिमावन की दाहिने ओर जा बैठा, आने वाला है। और हमारा विश्वास कोई पूरा भी
करने वाले, विश्वास को सिद्ध करने वाले हुई ऐसे ऐसे घड़ी है। इसके सामने आया, पिता का जवाब नहीं मिल रहा था, फिर भी हम देख रहे हैं उसमें भी भलाई उत्पन्न हो गया। धीरज के साथ सहने से जरूर मुकुट को पाएंगे। धीरज धरना है, जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है धन्य है। धीरज के साथ परीक्षा से पार होकर आएगा, जीवन का मुकुट को पाएगा करके याकूब 1:12 में पढ़ते हैं। सामना करना है मसीह यीशु के लिए विश्वास के साथ, धीरज के साथ, हर परीक्षा से पार होकर आएंगे। धीरज छोड़ देते हैं, शैतान की फंदा में जाके फंस जाते हैं। धीरज के साथ दौड़ते रहो, वचन को याद करते हुए, आत्मा की तलवार हाथ में लेते हुए आप लगातार करते रहना। मसीह जीवन एक दिन का युद्ध नहीं है, जिंदगी भर का लड़ाई है। अच्छी कुश्ती में लड़ चुका, अच्छी कुश्ती बोल रहे, गुड फाइट लगातार करने वाले हैं। कभी भी हिम्मत नहीं हारना, ऐसा लगेगा कि मर जाएंगे। कभी भी शैतान की झूठों को मानना नहीं। जैसे बाइबल स्टडी में मैंने एग्जाम्पल दिया, हनी बटजर कैसे सांप के बंधन में आ गए, फिर भी उसमें से छुटकारा पाकर उस सांप को ही वो काट के खा लिया। इतना हिम्मतवान है, शूरवीर बन गया, हिम्मत हरा नहीं। हम भी धीरज धरना चाहिए, शैतान की कितने भी फंदा होगी बच के निकल जाना चाहिए। वही हनी बटजर के बारे में दूसरे कोई वीडियो में देख रहा था, उसको कहीं से भी लगा देते हैं, ताला मार के भी रख देते हैं, कई गड्ढे में भी हरस करके रखते हैं, कैसे भी उपाय ढूंढ करके बाहर आ जाता है करके। अजीब से लगा, छोटा से जानवर को परमेश्वर इतना ज्ञान दिए हैं, अपना पकड़ने वालों से बच कर निकल जाते हैं। आज भी शैतान शिकार करने वाले हमें फंसा कर रखना चाहते हैं, उसके हर फंदे से, हर एडिक्शन से बाहर आना चाहिए। एक मिनट के लिए भी शैतान की बंधन में नहीं रहना, लगातार कंटिन्यूस विश्वास की दौड़ है, लगातार करने वाले धीरज के साथ सहल, उस पर ध्यान करो जिसने विरोध को सह लिया। काफ़ी लंबा समय के लिए युद्ध करना पड़ता है। यहाँ पर यहोशू 11:18 में पढ़ते हैं, उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गया। कभी कभी कुछ काम करने के लिए ज़िंदगी में तुरंत हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ के लिए लंबी सफ़र करना पड़ता है। यहाँ लिख रहे हैं 31 राजाओं के साथ उसने लड़ाई लड़कर जीता। यहाँ बता रहे उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। हमारा टास्क बहुत बड़ा है, जिंदगी भर हम करते रहना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ दौड़ है, हमारे लिए रखा हुआ सेवा है, हमारे लिए रखा हुआ आशीष है। उसके लिए लगातार विश्वास और धीरज, लगातार विश्वास और धीरज, छोड़ना नहीं। धीरे धीरे व्यवस्था वर्ण में पढ़ रहे हैं, यहो उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, एकदम से फटाफट नहीं होगा। लेकिन नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। इसमें भी प्रभु की योजना है, आपको एक एक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। फटाफट एकदम से नए आदमी को लीडरशिप में नहीं लाते हैं, नए आदमी को बड़ा काम नहीं देते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं, धीरे धीरे रेवलेशन, इधर इधर कुछ उधर कुछ, ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा बिल्टअप होता है। तभी तो मसीही जीवन का बढ़ोतरी होगी, तभी हमारे जीवन में भलाई होगी, हम मजबूत विश्वासी बनेंगे,
काफ़ी लोगों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। जो भी लोग फटाफट कुर्सी पर आ जाते हैं, फड़क से गिर जाते हैं, धीरे धीरे धीरज के साथ, धीरज के साथ हम एक एक परीक्षा में पार होकर आएंगे। धीरज 100% होंगे। याकूब लिख रहा परफेक्ट इंसान बन गए, धीरज 100% हो गया, इंसान 100% परफेक्ट हो जाते, सिद्ध हो जाते। धीरज का ट्रेनिंग मिल रहा है, हर परीक्षा में, हर समस्या में, हर चुनौती में धीरज बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर में मददगार है। हम इंतज़ार करना, धीरज रखना, कोई भी चीज़ हम ये नहीं सोचना जल्दी से हो जाए, टाइम लगता है हर एक चीज़ के लिए। परमेश्वर एक नियुक्त समय रखा है, जो भी चीज़ आपके लिए होना है ज़रूर परमेश्वर करेंगे, अपने समय पर सब कुछ सुंदर रीति से करेंगे। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारना, धीरज नहीं छोड़ना, याव नहीं छोड़ना। लूका 21:19 में यीशु जी कहा अपने आगमन के बारे में, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, अंत तक अपना आगमन तक। प्रभु आने के लिए वायदा किया है, लेकिन धीरज के साथ तुम आप तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे धीरज के साथ। यीशु मसीह अपने चेले लोगों से कहते हैं अंतिम दिनों में होने वाले समस्या के बारे में बताते हुए, धीरज से तुम अपने आत्मा को बचाना चाहिए, अपने प्राणों को बचाना चाहिए। आने वाला तो जरूर आएगा, इब्रानी का लेखक लिख रहे हैं, सो अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। धीरज धरने से, हिम्मत न हारने से, हिम्मत रखने से, विश्वास रखने से बड़ा प्रतिफल होगी। लिख रहे हैं 36 वचन में इब्रानी 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए प्रतिज्ञा का फल पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धीरज धरना जरूरी है। प्रभु का इच्छा को पूरा कर लिया आपने, फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आप अपना पाठ को कर लेना चाहिए, जरूर प्रभु अपने पाठ को समय पर करेंगे। बोले परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल पाने के लिए धीरज धरना अवश्य है, धीरज धरना अवश्य। प्रभु का हम जल्दी बाजू में करा नहीं पाएंगे, उसके हाथों को मोड़ नहीं पाएंगे, उसको हम अधिकार नहीं जता पाएंगे। जरूर प्रेम से हम विश्वास कर सकते हैं, आशा रख सकते, ज़रूर हमारे ऊपर प्रेम करने वाले हैं, सब कुछ भलाई रीति सब सही ढंग से सही समय पर करेंगे, कभी भी हमारे लिए हानि नहीं करेंगे। और लिख रहे 37 वचन में, क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। इब्रानी का लेखक उस समय में लिख रहे हैं बहुत ही थोड़ा समय रह गया, आने वाला तो आएगा, देर नहीं करेगा, देरी नहीं करेगा, ज़रूर आएगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हटे जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज विश्वास, धीरज, सहनशीलता जरूरी है, उसी में से हम अपना विश्वास की दौड़ को पूरा कर पाएंगे। अगर वो छोड़ देंगे, पीछे हटे जाएंगे, प्रभु का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, और ऐसे विश्वास चाहिए आखिरी तक, अंत तक धीरज धरना अवश्य है। और लिख रहे हैं पर 39 वचन में, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम विश्वास करने वाले, प्राणों को बचाने वाले, छोड़ने वाले नहीं, हारने वाले नहीं, हिम्मत रहने, हिम्मत छोड़ने वाले नहीं। बोलते हम अपने आत्मा को बचाने वाले हैं, अंत तक टिकने के लिए निर्णय ले लिया, विश्वास को छोड़ेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, धीरज नहीं छोड़ेंगे, अंत तक धीरज धरता है, उसके लिए प्रतिफल बड़ा है।
हालेलुया। याकूब लिख रहा है, सोए भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। बहुमूल्य फल एक किसान को मिलेगा करके आशा रखता है। अब यीशु मसीह के नाम से जहाँ पर भी जीवन का बीज, शांति का बीज, आशीष का बीज बोते हो, आपका जीवन में, दूसरे के जीवन में, आप जरूर परमेश्वर का बारिश को आप प्रतीक्षा कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रथम वर्षा, अंतिम वर्षा, और हमको मालूम है अंतिम वर्षा प्रथम वर्षा से दोगुना रहेगा। काफ़ी सारे लोग प्रभु में आएंगे करके हम विश्वास करना, हमको परमेश्वर वायदा किया है प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा धीरज धरना चाहिए। वो लोग पहला वर्षा पंतिकोस के दिवस में मिला था, 10 दिन वो लोग धीरज के साथ बाट जोते रहे उस ऊपर की कोठरी में, पवित्र आत्मा उतर कर आए 120 लोगों के ऊपर। आज भी परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को भरने के लिए और भी ताकत देने के लिए, धन वरदान देने के लिए, और भी हमारा द्वारा उनके वचनों को फैलाने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम धीरज धरना है। हम एक किसान के समान, किसान एक एक स्टेप्स को करते रहेंगे, बीज बोते हैं, फिर पानी छींचते हैं, जो जो खाद डालते हैं, जो जो हटाना है वो हटाते हैं, सही समय पर फसल को काटते हैं। कोई भी आज बीज बोया कल आ जाएगा ऐसा तो है नहीं, ज़रूर उसके लिए एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। ज़िंदगी के लिए परमेश्वर के आशीष, हमारा सेवकाई का आशीष और मीरास को पाने के लिए एक किसान के समान बीज बोते रहे, धीरज धरते रहे। पानी छींचना प्रभु का काम है, आशीष के सोता खुल गया है। जो भी विश्वास की कदम रखेंगे उसके लिए परमेश्वर आशीष के सोता खोलेगा, आशीष के बारिश उंडे लेगा, जरूर बीज उगेगा, फल लाएगा, प्रतिफल मिलेगा। लेकिन भाइयों एक दूसरे पर दोष न लगाओ, यही भी हमें देखना है। शैतान लोगों को भरमाने के लिए, अटकाने के लिए रोक टोक कर देते हैं, ऐसे ऐसे बातों को सामने ला करके दूसरे पर दोष लगाते लगाते अपना जीवन को भूल जाते हैं, अपना कमी को अंधे क्यों रहते हैं। इसलिए बोलते हैं धीरज धरो। भविष्यद्वक्ताओं को उदाहरण दे रहे ये भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने, धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जब भी दुख भी उठाते विश्वास के कारण, निंदा को परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने समाज में दुख भी उठाते हैं, भविष्यद्वक्ता लोग, प्रभु के दास लोग, ये विश्वास के वचन को फैलाने में, सेवा करने में वो लोग दुख उठाया, लेकिन वो लोग धीरज के साथ उसको सहते रहे। इसलिए लिख रहे आपको उन लोगों को धीरज धरने का एक आदर्श समझो, आदर्श समझो। अय्यूब का भी धीरज के बातें कर रहे हैं, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा दया प्रकट होती है, अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर दयावंत है, करुणामय परमेश्वर, जरूर अनसुनी नहीं रहेंगे, हमारा प्रार्थना का अनदेख हुए नहीं रहेंगे, जरूर प्रतिफल को देंगे। अय्यूब का दोगुना प्रतिफल मिला, और जो जो खोया था सब वापस मिल गया। तो धीरज धरने वाले धन्य हैं, अपना समस्या के बीच में धीरज धरना, प्रभु के आगमन तक धीरज धरना, अपना सेवकाई पूरा करने के लिए धीरज धरना चाहिए। कोई भी चीज़ फटाफट होगा करके हम गलत निर्णय नहीं लेना, गलत विचार में नहीं पड़ना, जरूर टाइम लगता है। यीशु मसीह को भी टाइम लगा, 30 साल तक बढ़ते गए, 3.5 वर्ष सेवा करते रहे,
और उनको भी पिता ने दुनिया में भेजने के लिए कितना टाइम लिया, करीबन 3-4 हज़ार साल के बाद ही। लेकिन जब समय पूरा हुआ, पिता ने अपने पुत्र को भेजा करके हम पत्रियों में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर हर चीज़ को अपने टाइम फ्रेम में करेंगे। उनके आगमन के विषय में भी हमें मालूम होना चाहिए, कभी भी आएंगे, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, आज ही आ जाएंगे, कल आ जाएंगे करके कोई नहीं बोल पाएंगे। धीरज के साथ हम भार जोते रहना, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। धीरज के साथ अपने वस्त्र को संभालो, अपना पवित्रता को संभालो, अपना शुद्धता को संभालो, अशुद्ध न होने मत दो, अंधा में फंसो मत, हिम्मत मत हारो, दूसरे लोगों के एग्जाम्पल, गलत एग्जाम्पल को देखो मत। जो सही एग्जाम्पल है वही बादलों के समान गिरे हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास करते रहो, प्रभु की बातों को मानते हुए धीरज धरते हुए पवित्र लोगों की धीरज इसी में है। प्रकाशित वाक्य 14:12 में पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं यीशु पर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हुए बातों को मानते हुए चलने वाले वही विश्वास की सही धीरज है। बातों को छोड़ देंगे, गलत रास्ता अपना लेंगे, वही धीरज नहीं है, वही धीरज नहीं है। उन्हीं के रास्ता में वेट करते रहना, उन्हीं के मार्ग पर वेट करते रहना, प्रभु का बारिश आने तक वेट करते रहना। बहुमूल्य फल के लिए किसान वेट कर रहा है, आज पृथ्वी का फल को पाने के लिए पिता परमेश्वर भी वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह को भेजने के लिए। फिर भी उनके ज्ञान के अनुसार भेजेंगे, ज़रूर हम लोग को ले जाएंगे। उस समय तक हम धीरज धरेंगे, विश्वास रखेंगे, हिम्मत न हारेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज कानमोल अवसर के लिए। धन्यवाद मेरे भाई बहन बच्चों के जीवन में आपने कार्य किया, विश्वास की वचन, धीरज के साथ विश्वास कार्यशील होते हैं। धीरज को छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, बीच में चोट चाट कर नहीं जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ते चलना। हमें मदद कीजिए, मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कीजिए। जो भी लोग फंदे में फंसा हुआ है, शैतान की झूठों को मानते हुए दूसरे का दोष को देखते रहते, अपना दोष नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों की आंखों खोल दीजिए। जो लोग अपनापन में, सेल्फिश में पड़े रहते, उन लोगों को भी आंख खोल दीजिए। जो लोगों के जीवन में बंधन है, आज यीशु मसीह के नाम से बुद्ध भाग जाएं, बीमारी दूर चला जाएं, बंधन टूट जाएं, लोगों के जीवन में विश्वास की वचन कार्यशील हो जाए। काफ़ी दिन रुक गए हैं प्रभु, काफ़ी दिन ये लोग वेट किए हैं, आज इनके लिए छुटकारा मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से आज ही उनके जीवन में एक छुटकारा को प्राप्त करें, अनुभव करें, और आने वाले दिनों में सारे आशीष को धीरज के साथ वचन को लेते हुए पाने के लिए ज्ञान सिखाइए, तेरा तरीका सिखाइए परमेश्वर। आपके आगमन तक धीरज धरने के लिए हमारे को मदद कीजिए। आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग सबके साथ हमेशा बना।